मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, आप हमें जानते हैं बस इतना काफी है। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, एलोवेरा तो नहीं है इसमें। अपना शाम हो गई है और ऐसा ना दंगल हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? बढ़िया, ग्रेट जी। तो अभी मैं हूँ दिल्ली की सड़कों पे, आज है 9 अप्रैल और मैं जा रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बोहो बाज़ार देखने। बोहो तो ये बेसिकली फ्ली मार्केट है या बंजारा मार्केट भी है। अच्छा यूथ क्राउड होता है, सुबह 12 बजे स्टार्ट होके शाम को 10 बजे तक है। तो फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। जेलन स्टेडियम में काफ़ी फेस्ट लगते रहते हैं, यूथ फेस्ट लाइक गर्ल फेस्ट और अलग अलग बहुत बढ़िया होते हैं, बट लास्ट 2 साल से कोई फेस्ट नहीं लगा था बिकॉज ऑफ कोविड। 2 साल तो कोविड ही खा गया, उसके बाद अब ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पे आ रही है तो हम चल रहे हैं। तो ये बोहो की बात करूँ तो ये 3 दिन का फेस्ट लगा था, 8 अप्रैल 9 और 10 का। तो आज मुझे मौका मिला है, कल मैं थोड़ा सा बिजी था, आज ही मैंने फैमिली के साथ पहले तो बनाया था अलॉन्ग विद माई वाइफ आस्था, बट जैसा मैंने पहले बताया कि शी इज़ अ फ्री लांसर मेकअप आर्टिस्ट, उनकी लास्ट में मैंने बुकिंग आ गई तो वो वहाँ चली गई, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट। तो मैंने उनका हैंडल भी, इंस्टा हैंडल भी ना नीचे लिख दिया है, तो आप फॉलो करें एक बारी देखिए, और कोई रिक्वायरमेंट होती है आपकी तो वो कॉल कर सकते हैं। चलो चलते हैं देखते हैं। तो टिकट की बात करूँ तो अर्ली बर्ड जो टिकट थी वो 170 रुपीज़ की थी, इनसाइडर से ऑनलाइन टिकट आप ले सकते हैं। मैंने आज सुबह टिकट ली है तो लास्ट वीक से शायद वो थोड़ी सी महंगी हो गई है 270 की। ऑफलाइन टिकट्स काउंटर पे भी अवेलेबल हैं, बाकी जाके देखते हैं कि कैसा माहौल है, क्या चीज़ें हैं और क्या क्या है। चलो चलते हैं। और वो बात तो भूल ही गया हम, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो यार। चलो जी, विंग्स है गर्ल, जिंदगी जिंदाबाद। गाड़ी पार्क कर दी है, 100 रुपये चार्ज लगा। तो आप यहाँ आए ना तो अपनी गाड़ी से अगर आ रहे हैं तो गेट नंबर 7 पे कार पार्किंग है, मेट्रो स्टेशन जो है वो गेट नंबर 1 के पास पड़ता, तो उससे थोड़ा सा अंदर घूम के आना पड़ता आगे से राइट लेके, तो कीप दैट इन माइंड। अभी अंदर चलते हैं देखते हैं। मैंने ना आज मॉर्निंग में ही इनसाइडर पे टिकट कराई थी तो मुझे 263 की कॉस्ट करी, और यहाँ पे आके आप लेते हैं ऑफलाइन तो वो 300 की टिकट देते हैं। आपकी इच्छा है, आप कैसे लेते हैं क्या लेते हैं। चलते हैं अंदर, अच्छा क्राउड लग रहा है अभी, 350 हुए हैं और अच्छा क्राउड लग रहा है मुझे यहाँ पे आए हुए लोग, तो अंदर भी एक्साइटमेंट लग रही है, बढ़िया होने वाला है, क्या है। चलो चलते हैं देखते हैं। अच्छी लाइवली फीलिंग आ रही है, गुड लग रहा है, और स्टॉल्स भी बहुत अच्छे गुड लग रहे हैं। वाह ना, एक हाई क्लास रिच क्लास मेला लगा हुआ है। ये मुझे स्टेज लग रहा है यहाँ का, अभी 3:30 हुए हैं तो शाम को मैं भी यहाँ पे परफॉर्मेंसेस होंगी।
सारे टिपिकल इंडियंस हमारे। ये बात ये आई मेरे को बहुत शानदार चीज नजर, वैलेंटाइंस तो यहाँ पे ओपन ड्रिंक अवेलेबल है, ड्रिंक ले सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है किसी चीज़ का, कोई दिल्ली पुलिस नहीं आ रही है आपसे पूछने की यहाँ पे ड्रिंक कैसे कर रहे हो। कूपन वहाँ से लेना रहेगा आपको, कैश पे करना ओके। तो ये वैलेंटाइंस का बीरा का भी मैंने सुना था, बीरा का भी है यहाँ पे सामने वैलेंटाइंस। ग्रेट ग्रेट। अरे यार ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को यहाँ पे, नहीं रेडबुल का भी काउंटर लगा हुआ। ये लगा हुआ है कैम टिंडर, टिंडर का ऑफलाइन वर्जन है, तो यहाँ पे आके आप गुफ्तगू कर सकते हैं, मिल सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। ये बात ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हाय मैम, ये वेरी कूल टी शर्ट्स देख सकता हूँ, ओके 5-4,000 ना। आपका ऑनलाइन वैसे भी अवेलेबल है, प्रिंट ऑक्टोबर्स, मिंत्रा, अमेज़न पे, मिंत्रा, अमेज़न, नाइका फैशन, फ्लिपकार्ट। ग्रेट, रियली नाइस डिज़ाइन, बहुत अच्छे, ग्रेट ग्रेट। ये आगे बंजारा मार्केट, किस रेंज में होती है भैया, क्या क्या है आपके पास? ये वॉचेज वगैरह किस रेंज में होती हैं? स्टार्टिंग 1700-1500 से स्टार्टिंग है। अच्छा नेचुरल वुड है, प्योर क्या है ये बक्सल वाली लकड़ी का। अच्छा प्राइस नहीं है, रेट भी कम हो जाता है। हाँ नेगोशिएबल है, कितने परसेंट नेगोशिएबल है? हो जाता भैया 50% हो जाता पहले याद है बोलो से जम वगैरह हुए हैं। मतलब बाजार आके ना अच्छी फीलिंग आ रही है, एक लाइवली हो रहा है। अभी 4 बज रहे हैं, थोड़ी धूप छट रही है, क्राउड बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है। शाम को 10-11 बजे तक है, एक बार आना ना वर्थ है यहाँ पे, आओ। अभी तो मतलब एक दिन ही बचा है बस, कल का है, 10th का ही अवेलेबल है, आज 9th है, ओनली 10th का, एक दिन या 3 दिन का बाजार था, बट अच्छा क्राउड आया हुआ, अच्छा लग रहा है, गुड। प्राइस भी सी मैं कहूँ ना कि बहुत ज़्यादा हैं चीज़ों के, वो नहीं है, आपको यूनिक चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे, जो आजकल मैं कहूँगा मिलेनियल्स के टाइप की चीज़ें होती हैं ना, क्विक क्विक की चीज़ें, डिफरेंट काइंड ऑफ, वो चीज़ें मिल रही हैं, दिख रही हैं मेरे को यहाँ पे, और प्राइस भी नॉमिनल है। 500 रुपये की 2 टी शर्ट्स मिल गया, तो और क्या चाहिए। एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी तो बहुत ज्यादा, अभी इवनिंग में ठीक हो जाएगा राइट? इवनिंग में कॉन्सर्ट्स भी होंगे, लाइक लाइव शोज भी होंगे और ज्यादा, बट एक्सपीरियंस वैसे ओवरऑल कैसा लगा? हाउ इज द मार्केट ओवरऑल? शायमा, फर्स्ट गर्ल जिसने मेरे को पहचाना है कि साइकिल करके मेरे को बोला, रियली ऑब्लाइज्ड, थैंक यू। और एक ना शेर है, मैंने सोचा हुआ था कि जो मुझे फर्स्ट टाइम पहचानेगा तो मैं उसको बोलूँगा, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, आप हमें जानते हैं बस इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, ग्रेट। Like,
जस्ट व्हाट डज दिस टैरो कार्ड रीडर टेल, आप क्या बताते हैं? सो टैरो बेसिकली इज यूज्ड टू गेट क्लैरिटी इन एनी काइंड ऑफ एरिया ऑफ योर लाइफ. सो इट कैन बी समथिंग दैट यू वांट टू मेक अ डिसीजन ऑन, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू टेकिंग योर स्टेप फर्दर, समथिंग व्हाट योर गाइड रियली वांट यू टू नो. सो इट कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ग्रेट. सो मैम आप क्या जानना चाहती हैं आज? रिगार्डिंग माय करियर, राइट नाउ आई एम लुकिंग इनटू जॉब दैट आई अप्लाई इन मेडिकल एरिया. ग्रेट. Really don't have confidence in making the right decision. Okay. That is one thing. And second thing is love, I guess. That, I mean, not exactly love, but I just want to know whether I'm in a relationship or not. Okay. तो आज क्या पता चलने वाला है अभी देखते हैं थोड़ी देर में. हाँ. और फिर इनका बाद में भी करना पूछने के लिए कि हुआ नहीं हुआ. Great, great, great fun. मिल गए अपने व्हाट यू आर लुकिंग फॉर और क्या था? समवेयर रिगार्डिंग लव आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, आई स्टिल डजन आई बिलीव दैट आई वुड हैव बीन इन अ रिलेशनशिप सेइंग दैट देयर इज समथिंग, सो आई होप देयर इज समथिंग. बट करियर वन वन आई वाज रियली वांटेड टू सी व्हेदर देयर इज समथिंग, सेइंग दैट देयर इज, आई होप आई गेट अ पॉजिटिव रिव्यू एंड देन कम बैक. ग्रेट. माय ब्लेसिंग माय विशेस यू विल गेट व्हाट यू वांट. ग्रेट. एंड और चैनल में बीइंग सहगल, बीइंग सहगल जैसे सलमान का बीइंग ह्यूमन है, मेरा बीइंग सहगल है. कहीं वो पीछे ना आ जाए. तो रियली नाइस. तो मेरे हिसाब से ना जो आई वेट, आई थिंक योर नेम इज मनीषा, राइट? व्हाई इज रेड दैट ऑन देयर, राइट? ग्रेट. तो जो मेरे हिसाब से ये टैरो का होता है, एक आपको एक इशारा ही मिलता है, राइट? फ्यूचर का एग्जैक्टली तो आपको भी नहीं पता क्या, जस्ट फॉर एक इशारा, एक आइडिया कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट? लाइक अ गाइड मैप. गाइड मैप. Great, nice, great. All the best to you. Thank you. यहाँ पे टॉयलेट्स भी साइड में बसेस लगी हुई हैं, मेल फीमेल के अलग टॉयलेट्स हैं, तो पोर्टेबल टॉयलेट्स बने हुए हैं, फैसिलिटी सारी है अच्छी अवेलेबल. शाम हो गई है, 6:30 बजने वाले, अराउंड 3-3.5 घंटे से मैं हूँ यहाँ पे. अब मज़ा आ रहा है यार, गुड लग रहा है.
घूम रहे हैं, साथ में क्राउड बहुत अच्छा है, एक म्यूज़िक बहुत अच्छा चल रहा है, इन्जॉयमेंट हो रही है, घूमने फिरने में बैठे बैठे ही इन्जॉय हो रहा है, एक बीवी भी साथ में नहीं है और बढ़िया लग रहा है, चुप बताना नहीं पर बढ़िया इन्जॉयमेंट हो रहा है, एक अच्छी फन प्लेस है। यहाँ पे ऐसे फेस्ट होते रहते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया गर्व फेस्ट होता है यहाँ पे, ये अभी बोहू फेस्ट चल रहा है, ऐसे कोई कोई और फेस्ट भी होते रहते जेलन में। तो दो साल से कोविड करके बंद थे, बट अभी कोविड का थोड़ा सा स्टेबल हुआ है तो ज़िंदगी दोबारा से पटरी पे आने लगी है, तो दोबारा से काइंड ऑफ फेस्ट स्टार्ट हो गए, तो आगे भी चलते रहे ऐसे और कोविड जो है अपना रिलैक्स रहे यही बोल सकता हूँ। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, टाइम पास करते हैं, उसके बाद अपने घर को चलते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है आपने तो कर लो यार, और तो क्या ही कह सकता हूँ, है ना। Being single, thank you. So what are you serving? You have tastiest pickle or what your matri? Yes, so it's the tastiest pickle. So you must have, you know, tried all kinds of pickles in India, you know. I'm a Punjabi, I'm from belong from Punjabi family. I've tried so much pickle. Mango, lime, chili and everything, right? Uh-huh. So we are offering something very unique, which uh-huh. is a date pickle, right? Date pickle? Yes. Date, khajur ka pickle. Khajur ka wow. What happens is, it's healthy uh-huh. and tasty at the same time. Wow, wow, wonderful. I want to try a taste, absolutely. Please. So we have yeah. the tasting here. Just have him taste with the matri. तो खट्टा मीठा होता है क्योंकि डेट्स मीठे होते हैं, और हमने इसमें हिल लेमन यूज किया व्हिच इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अच्छा, सो इट हैज हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, एब्सोल्युटली। एलोवेरा तो नहीं है इसमें? नहीं। ग्रेट, ऑसम, ऑसम। खट्टा मीठा चाह रहा है, ग्रेट। तो डेट को वैसे हेल्दी होते राइट? या सो बेसिकली रॉ डेट, सो डेट आई मीन खाने में थोड़ा मुश्किल होता है राइट, सो यू मेक इट अ पिकल, आप अपनी मील्स के साथ इसको खा सकते हो। और हम हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है avery.in, तो वहाँ से जरूर ऑर्डर करना, वहाँ पे कॉम्बोज भी है और हमारे और भी हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, बेक मट्ठी फ्राइड नहीं है, बस से मट्ठी बहुत अच्छी है। हाँ, 6 फ्लेवर में। वाओ, तो कौन सी फ्लेवर्स हैं आपके? तो 6 फ्लेवर्स है, इसमें लिखा हुआ है प्लेन, अचारी, पुदीना, मेथी, अजवाइन एंड इंडियन। वाओ, सो थोड़ा ट्विस्ट भी दिया हुआ है हमने, हेल्दी ट्विस्ट दिया हुआ है ट्रेडिशनल स्नैक्स को। ग्रेट, वंडरफुल ब्रो, मजा आया, टेस्टी के साथ हेल्दी एंड टेस्टी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। और ये ड्रिंक कौन सा? ये हिल हिमाचल का नींबू होता है। अच्छा, गलगल, उसका स्क्वॉश है। गलगल स्क्वॉश, यस। चीयर्स। ओके, दैट्स सो ग्रेट, ग्रेट ब्रो, नाइस, रिफ्रेशिंग हो गया। ग्रेट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑर्डर करो, अच्छे से डिटेल्स दे दी गई हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट ब्रो, थैंक यू। दंगल हो रहा बहुत बढ़िया रश हो गया, आप देख रहे हो मेरे पीछे, बढ़िया फन हो रहा है। अराउंड 7 बज गए हैं, अराउंड 4-5 घंटे से मैं यहाँ पे घूम रहा था, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नोटिस कर रहा था, मज़ा आया, बहुत बढ़िया फन आया। तो जो आपने वीडियो देखी 10-15 मिनट की, वो 4 घंटे में बनी है, 5 घंटे में बहुत मेहनत लगती है, पता है ना, और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, आगे से सब्सक्राइब करो सबसे पहले तो अभी अराउंड 7 बज गए हैं, 20 बच्चे मेरे घर पे अकेले हैं, तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मेरे को उनकी याद भी आ रही है कि यार सारे लोग अपने किसी किसी के साथ आए हैं, कोई कपल आया हो, किसका था, मैं अकेला घूम रहा हूँ तो अच्छा नहीं लगता है ना तो अब निकलते हैं यहाँ से, बढ़िया फन हो गया, बढ़िया इन्जॉयमेंट हो गया, नेक्स्ट टाइम आप आ सकते हो तो वो लगता रहता, हर साल लगता है या एवरी 6 मंथ्स लगता है, डोंट नो। JLN में काफ़ी और भी फेस्ट होते रहते हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट है। तो अब निकलते हैं यहाँ से, आपको कैसी लगी वीडियो, क्या लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, थैंक यू, जिंदगी जिंदाबाद।
जाना हो ना तो बेस्ट टाइम 4-5 बजे है, उससे पहले धूप होती है बड़ी, क्राउड भी इतना नहीं होता। अभी 7:30 बज रहे हैं और रश इतना हो रखा है ना कि अंदर ही बहुत रश है कि जगह नहीं है बिल्कुल ही, और बाहर मैं अभी पार्किंग अपनी गाड़ी लेने आया हूँ, यहाँ पे भी काफ़ी रश हो रखा है। तो 4-5 बजे आओ, आपको एंट्री अच्छे से मिल जाएगी और उस टाइम पार्किंग में भी दिक्कत नहीं होगी। बट इस टाइम भसड़ मची हुई है, मैं कहूँगा बाहर आ गया हूँ मैं, गाड़ी अपनी लेके निकलते हैं बाहर।